कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में हर राजनीतिक पार्टी जुट चुकी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। कर्नाटक में अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। राहुल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए मशविरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ऐसे प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी जिससे कर्नाटक में लोगों से ज्यादा जुड़ने के कार्यक्रम शुरू किए जा सके। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नाटक की जमीनी स्थिति को लेकर भी राहुल गांधी के साथ विचार विमर्श करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस की कर्नाटक यूनिट की तरफ से पहले ही राहुल गांधी से इस दक्षिणी राज्य के लिए प्रचार अभियान शुरू करने का आग्रह किया जा चुका है। संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी 20 जनवरी के बाद राज्य के लिए प्रचार अभियान शुरू करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया प्रदेश में 120 कांग्रेस विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम को पहले ही पूरा कर चुके हैं। राज्य के दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की राज्य इकाई चाहती है कि पार्टी के प्रचार अभियान की कमान राहुल गांधी खुद अपने हाथ में रखें। 20 जनवरी के बाद केंद्र से कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं का कर्नाटक पहुंचना शुरू हो जाएगा। गुजरात में राहुल गांधी ने कांग्रेस की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। राहुल गांधी ने एक के बाद एक रैली कर गुजरात के लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। गुजरात में कांग्रेस सत्ता पर काबिज तो नहीं हो पाई लेकिन नतीजे से पार्टी खुश जरूर थी। अब बारी कर्नाटक की है जहां कांग्रेस को सत्ता बरकरार रखना है। कांग्रेस के सामने समय कम है और चुनौतियां ज्यादा है। देखना है इस चुनौती से पार्टी कैसे पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।